So very good morning. So as we are back to this chapter, Kingdom Kings and the Early Republic. So I was just asking you कि कैसे हम लोग elections होते हैं और हम लोग अपने rulers जो हैं वो चुन लेते हैं। आजकल ये process चलता है कि elections हुए और हमने अपना ruler चुन लिया, right? तो elections में हमने voting की, voting में जिसको ज़्यादा votes मिल गए और वो हमारा leader बना। पहले क्या होता था? What used to be there earlier? पहले क्या होता था कि किंग्स होते थे, राइट? अब हम लोग सिंस व्हेन, हम लोग जब भी ये कर रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग किंग्स के बारे में ही, दे आर जस्ट गोइंग टू इट, राइट? तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि किंग्स जो हैं वो कैसे रूल करते थे। क्या किंग्स के भी इलेक्शन होते थे? वर द किंग्स ऑल्सो इलेक्टेड? इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट, राइट? किंग्स आर नॉट इलेक्टेड, दे वर नॉट इलेक्टेड। होता क्या था कि एक किंग है और उसके बाद जब उसकी डेथ हुई तो उसका बेटा किंग बन जाएगा, राइट? ये तरीका होता था। या एक ये तरीका होता था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है फैमिली में, ही विल बिकम द किंग, राइट? और कई और तरीके होते थे जिससे कि दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज द किंग्स, राइट? One such process was known as the sacrifices. आप लोगों ने कई रामायण सुनी होगी, must have seen the Ramayan, right? अब वहां आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, चलो मैं ही आपको रेफरेंस दे देती कि जब ये सब लड़ाई वगैरह खत्म हो गई थी तो उसके बाद भगवान राम ने भी ना क्या किया था कि एक उन्होंने यज्ञ करना था बड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि उस समय एक घोड़ा, हॉर्स जो था वो भेजा गया, राइट? अलोंग विद द आर्मी, आर्मी के साथ एक घोड़ा जो था वो भेजा गया और वो घोड़ा जो था, हॉर्स जो था, वो जहां जहां जाता था आर्मी उसके साथ जाता, ठीक है? वो जिस जिस स्टेट में जा रहा है, तो जिस स्टेट से वो निकल रहा है, जिस स्टेट से वो निकल रहा है, तो वहां पर क्या है कि उस स्टेट का जो राजा है, स्टेट का जो किंग है, वो या तो इस आर्मी के साथ लड़ाई करेगा, राइट? या तो इस आर्मी के साथ लड़ाई करेगा जो घोड़े के साथ है, और अगर वो हार गया तो उसका सारा जो स्टेट है, राज्य जो है, वो जिसका घोड़ा है, जिस राजा का घोड़ा है, उसके पास चला जाएगा। तो राम जी ने भी ऐसा घोड़ा भेजा और वो जो घोड़ा था जिस एरिया में जाता था, क्योंकि राम जो राम जी थे वो तो एक बहुत फेमस किंग थे, तो किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया और उन्होंने सबने मान लिया कि ठीक है, आप जो भी अब वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस भी उस समय एक उसको कहा जाता था अश्वमेध यज्ञ, उसे कहा जाता था अश्वमेध यज्ञ, ठीक है? तो अश्व मतलब हॉर्स, तो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। सी उसका पर्पस क्या होता था, एक तो ये बताने के लिए भी कि हम लोग पावर है, और एक तरह से इनविटेशन होता था, एक फंक्शन होता था जिसमें लोगों, जिसमें नेबरिंग जो किंग्स हैं उनको इनवाइट किया जाता, राइट? तो ऐसा मैंने जब बताया आप लोगों को, राम जी ने भी ऐसा भेजा और वो कई एरियाज में वो घोड़ा गया और वो आर्मी जो थी वो कई जिन एरियाज में जाता रहा घोड़ा, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया राम जी का रूल और उन्होंने कहीं ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो आपने ये सुना होगा कि राम जी के जो दो बच्चे थे लव कुश, राइट, ये रहते थे वाल्मीकि आश्रम में। तो जब वहां पर घोड़ा आया तो उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि हम आर्मी के साथ लड़ाई करेंगे, हम आर्मी के साथ लड़ाई करेंगे। तो वो लड़ाई जो थी वो फिर इन्होंने, इन बच्चों ने जो छोटे थे बेशक, इन्होंने आर्मी के साथ लड़ाई की, लेकिन बीच में फिर हनुमान जी आ गए और राम जी आए, इन्होंने लड़ाई को बंद किया। सो ये था हमारा रामायण में इसका रेफरेंस आता है। तो उस समय भी जो राजा होते थे, जैसे मैंने बताया कि ये ऐसा एक घोड़ा भेजते थे और ये जो घोड़ा होता था ये जिस जिस एरिया में जा रहा है तो वहां का राजा इस राजा के अगेंस्ट लड़ेगा, राजा की उसके इससे की आर्मी के अगेंस्ट लड़ेगा, या
या तो लड़ेगा या फिर उसकी सुप्रीमेसी जो है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, या उसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करेगा। सो इट यूज टू बी लाइक दिस। जिस राजा ने एक घोड़ा भेजा है उसका पर्पस एक, जैसे मैंने बताया, ये होता था कि आई एम अ पावरफुल किंग। इट वॉज ऑल्सो टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ दैट पर्टिक्युलर किंग, राइट। उसके बाद क्या होता था, एक घोड़ा आ जाता था वापस इतने सारे एरिया से घूमकर, और उसके बाद एक दिन चूज कर लिया जाता था, और उस दिन पर बहुत बड़ी ये जितने भी एरियाज में जाकर आया है घोड़ा, और जो है वहां के सारे राजा जो होते थे दे वर इनवाइटेड ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, जहां पर प्रीस्ट होता था वो पूजा करता था, और जिस राजा ने घोड़ा भेजा है राइट वो सेंटर में होता था, बैठा होता था, वो पूजा करवाता था, और जो बाकी जो राजा आते थे वो गिफ्ट्स लेकर आते, वो इसके लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे, एंड इन दिस वे द थिंग्स टू मूव, राइट। और ये जितने भी इसमें पूजा पाठ हो रही है, जो भी फंक्शन हो रहा है, इसमें राजा जो होता था ना, जिसके घोड़ा भेजा था, ही यूज टू बी अ सेंट्रल फिगर, ही यूज टू बी अ सेंट्रल फिगर, एंड ही यूज टू हैव अ स्पेशल सीट, स्पेशल थ्रोन, मतलब बड़ा सा सिंहासन है, सब राजाओं के बीच में बैठा हुआ है, और थोड़े हायर लेवल पे बैठा, सिटिंग एट सम हायर लेवल, राइट। और वहां पर ही यूज टू बी, यू कैन से एज मेंशन की सेंट्रल फिगर होता था, एंड इसके साथ ही उसका एक चैरियटर उसके रथ को चलाता था वो होता था, जो कि हर लड़ाई में इसके साथ होता है। बट ऑब्वियस आज की तरह तो इतनी सारी वेपन्स नहीं होते हैं, पहले दे यूज्ड टू फाइट, दे यूज्ड टू हैव अ चैरियट, द किंग यूज्ड टू फाइट फ्रॉम द चैरियट, एंड ही यूज्ड टू बी हैविंग अ चैरियट, राइट। वो जो चैरियट रथ को चलाता था, अब जो रथ को चलाता था वो तो हमेशा राजा के साथ ही रहता था, यूज्ड टू बी देयर विद द किंग, राइट। तो उसे सब पता होता था कि विच वॉर्स हैव बीन फॉट बाय द किंग, where he has won, what were his strategies, right? और इसकी प्रेज में जब ये सारे राजा आ जाते थे, सारे राजा बैठे होते थे, फंक्शन चल रहा होता था, उसमें जो इसका रथ चलाने वाला है ना, वो अपने राजा की खूब तारीफे करता था। ये सारा का सारा पर्पस ही होता था ये बताना कि भाई हम बहुत पावरफुल, अपनी पावर को उसको पब्लिक करना, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ द पावर, राइट। सो इसमें क्या होता था कि अब ये फंक्शन चल रहा है तो जो राजा है वो, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके रिलेटिव्स, ये सारे कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, पूजा है वो कर रहे हैं, व्हाटएवर, आई मीन दे आर द सेंट्रल फिगर। जो बेचारे राजा आए होते थे बाकी स्टेट से, they were only the spectators. They were only the spectators. They used to watch what function, what sacrifice, what performance is going on, right? और जो priest होते थे, जो चारी होते थे, वो क्या करते थे, वो सारी पूजा करते थे, वो राजा के ऊपर एक वो होता है क्या आप, हम पायस वाटर कह देते हैं, स्प्रिंकल हम कह देते हैं, कि जो प्योर सेक्रेट वाटर है, राइट, सेक्रेट वाटर जो है वो पानी छिड़कना है, और ये सारे जो भी इवेंट्स होते थे ये सारे किए जाते थे, राइट। और इसमें कई बार आम लोगों को भी इंक्लूड कर दिया जाता, आम लोग मीन्स आम लोगों में भी जो बड़े स्पेशलाइज से हैं, राइट, उन्हें इंक्लूड कर लिया जाता। हाउएवर यहां पर जो लोग ये माने जाते थोड़े लोअर कास्ट के, दोस्त वो आर एट द लोअर कास्ट या शूद्र माने जाते थे, दे वर नॉट अलाउड टू गो और टू सी और टू वॉच और टू एंटर सच रिचुअल्स, दे वर नॉट अलाउड फॉर दैट, right? So they were excluded from any of the rituals. ये अब शूद्र थे, इसके बारे में अगर हम पढ़ें आगे
आप लोग इस बारे में जान पाओगे अर्लियर व्हाट टू बी देयर द पर्सन व्हाट वर्क ही वाज डूइंग पर्सन व्हाट वर्क ही इज डूइंग ही विल बी बिलोंगिंग टू दैट कास्ट। बहुत पहले की बात बता रही हूं मैं वैदिक टाइम के बारे में कि काम के हिसाब से पर्सन अपनी कास्ट में एंटर हो। इफ दैट पर्सन इज टीचिंग दैट पर्सन विल बी देयर इन द ब्राह्मण कास्ट। इफ अ पर्सन इज डूइंग द इज अ वॉरियर इफ इज इन एन आर्मी तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। और अगर क्षत्रिय सपोज कोई वॉरियर है और वो अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया, ठीक है प्रोफेशन चेंज कर लिया, वो चला गया वो टीचिंग में चला गया, तो डेफिनेटली ही विल बी बिकम ही विल बी देयर इन द ब्राह्मण वर्णा के ब्राह्मण कास्ट में चला जाए। ऐसे ही कोई जो लो वर्क कर रहा है विल बी इन द शूद्रास, कोई बिजनेस कर रहा है तो वैश्य कैटेगरी। ये बात कर रही हूँ बहुत पहले की, जब वैदिक पीरियड चल रहा था। वैदिक पीरियड मीन्स जब ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, अब बहुत अर्ली आप कह सकते हैं टाइम पीरियड की बात, व्हेन द पर्सन बिलोंग्स टू द कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क ही वाज डूइंग, राइट। बट व्हाट हैपेंड इन द लेटर स्टेजेस, लेटर स्टेजेस मीन्स ये वर्णास के बारे में वैसे मैं आप लोगों को कल क्लास में बहुत और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, अभी आई एम जस्ट गिविंग यू द इंट्रोडक्शन, राइट। बहुत लेटर स्टेजेस में धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जैसे क्योंकि ना ये उन्होंने बना रखा था लेवल बना रखा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हायरार्किकल सिस्टम बना रहा, स्टेप वाइज बना रहा। अब जो हायर लेवल पे ब्राह्मण से वो पढ़ा रहे हैं, ठीक, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने धीरे धीरे ये डिक्लेयर करना शुरू कर दिया दैट वी आर सुप्रीम, यार सुप्रीम। अब उन्होंने क्योंकि पहले क्या था कि जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से कास्ट सिस्टम डिवाइडेड है, अब ब्राह्मण्स ने क्या किया, इन्होंने अपनी बड़ी सुप्रीमेसी दिखाई और इन्होंने ये एक सिस्टम बना दिया कि द चाइल्ड इज अ बॉर्न इन अ पर्टिकुलर फैमिली, वो फैमिली जो काम कर रही है that child will be belonging to that caste. Suppose warrior ke ghar mein baby is born, so that child will be a kshatriya by birth only, chahe wo koi aur kaam bhi kar le. Halanki ye baat thi ki uske baad to unhone itni strictness ho gayi thi system mein ki agar kshatriya ke ghar mein paida hua hai to koi aur kaam nahi karega, agar wo kshatriya ke ghar mein paida hua hai to wo aur kaam nahi karega, wo yahi kaam karega, right? He will not be allowed to do any other work. So the system, which was a very, very, you can say, convenient one for the people, now it was changed, right? It was too convenient earlier for the people ki theek hai, jo kaam kar rahe hai us caste mein hai, us caste ke jo privileges hai, wo unko mil rahe hai. Lekin jab usko rigid kar diya, usko fix kar diya, right? So that made the difference here. कि अब जो लोग थे वो जिस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं वो जहां पर पैदा हुए हैं वही कास्ट उनके सपोर्ट रहेगी, कास्ट चेंज नहीं होगी। और आज तक टिल नाउ दिस सिस्टम इज देयर, जो एक फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ कास्ट सिस्टम था पहले वो आज भी चेंज हो गया है काफी ज्यादा और अब भी वो काफी रिजिड है, that is very very rigid. So varna system jo hai ye caste system hai, iske bare mein we will be doing in your tomorrow's class.